गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी में व्याकरण में का भाग देखने वाले हैं। कहानी लेखन आज ये हम सीखने वाले हैं। जैसे कहानी हमेशा भूतकाल में बनाई जाती है, जो भी घटना घट चुकी होती है उसके ऊपर हमेशा कहानी बनाते हैं। जैसे आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, तो वैसे ही आज हम कहानी का लेखन कैसे करते वो देखते। कहानियां लेखन दो प्रकार का होता है, एक तो चित्र कथाएं होती है, चित्र दिया होता है उसके ऊपर से लेखन करना पड़ता है, या फिर ऐसे कुछ पॉइंट दिए होते जिसके ऊपर से हम कहानी का लेखन करते। तो आज हम ये कहानी सीखने वाले। देखो यहाँ पे, एक गांव दो बिल्लियां, केक का टुकड़ा, दोनों में झगड़ा, बंधन आया, केक के टुकड़े, केक खाया, भाग गया। और कहानी में से हमेशा कोई ना कोई सीख मिलती है। तो आगे देखो हमने कहानी कैसे बनाई है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी, उनको एक केक का टुकड़ा मिल गया, दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। वहां पर झगड़ा सुनकर बंदर आया, बंदर केक के टुकड़े करने लगा, जो टुकड़ा पड़ा वह खाता गया, अंत में केक खत्म हुआ और बंदर भाग गया। तो इस कहानी में से हमें क्या सीख मिली थी? दोनों का झगड़ा, तीसरे का फायदा। हमेशा कहानी में से कुछ ना कुछ सीख मिलती है और वो हमें जीवन में इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऐसी और भी कहानियां घर पर देखो और खुद बनाओ। थैंक यू।